हाय गाइस, इस बार हम आ चुके हैं एक नई जगह जिसका नाम है दीव, जो कि गुजरात के ऊना का जो गांव है उसके बगल में स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश है। और दीव में हम पूरे धमाल क्या क्या की वो सब दिखाने वाले हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून विद एसबी स्पेशल। और अगर ये पूरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट एसबी स्पेशल। सो गाइस, आ चुके हैं दीव और आज फर्स्ट डे। और दो तीन होटल वाले जो फ्रेंड अभी हो गए, इसको पूछा कि कहाँ जाए तो बोल रहे कि गंगेश्वर टेम्पल जाओ, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और अभी जा रहे हैं गंगेश्वर बीच बोलो या टेम्पल, पूरे का पूरा दरिया ये बिना रहे वहाँ पे स्थित है। तो अभी दिखाएंगे गंगेश्वर टेम्पल इन दीव। आगे गंगेश्वर मंदिर दीव में, और जहाँ पानी खुद भगवान के जो पांच शिवलिंग है उसका अभिषेक करते हैं, तो वो जगह हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये जगह कैसी है वो देखने के लिए देखते रहे एसपी स्पेशल। पर बहुत दिन बाद आज पूरा का पूरा हमारा कर्मयोग के स्टाफ के साथ अभी निकले हैं। पूरा शासनगीर और दीव और सोमनाथ दादा सब दर्शन करके आपको ये सब पूरा लोग की जानकारी देंगे। तो देखते रहिए दीव में एसपी स्पेशल के साथ। ये सब फोटो खिंचवा रही है लेकिन फोटो अच्छी नहीं आ रही है मालूम है, लेकिन सब ये एक्सप्लोर तो कर रही है लेकिन फोटो कैसे खींचना आता नहीं है। एसपी स्पेशल के साथ है तो भी और ये हमारा बिजनेस का साथीदार, यहाँ पे भी बिजनेस में ही जुटे हुए है दीपेश भाई। तो घूमने आए या बिजनेस करने वो मालूम नहीं है। और ये हमारे फोटो खींचने में मास्टर क्रिस 3 या 4 बहुत ही लाजवाब जगह है। ये पूरा जो शंकर भगवान का मंदिर है वो पूरा इस तरह नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि दरिया का पानी है वो खुद शिवलिंग पे जलाभिषेक करता है। तो यहाँ से अब जाएंगे नीचे, सब आ गए हैं साथी। चलो, आर यू रेडी? यस। जा। और ये रहा महादेव का शिवलिंग पूरा पत्थर के नीचे। बहुत ही अद्भुत नजारा, देख के ही मन को एक अलग सी शांति मिल रही है, ऐसा अनुभव हो रहा है। जो भी तो देख रहे हो पास शिवलिंग है, अभी यहाँ से पानी आएगा और पूरे का पूरा शिवलिंग पे जलाभिषेक करके वापस चला जाएगा। ये बरसों से ऐसे ही शिवलिंग है और थोड़ा ये जो स्टेप देख रहे वो थोड़ा आर्टिफिशियल दिया हुआ है, बाकी का पूरे का पूरा नेचुरल बनाया हुआ है। और जो यहाँ से आप देख रहे हो दरिया, यहाँ से पानी आता है और यहाँ से घूम के फिर वापिस चला जाता है। बहुत ही अद्भुत अलौकिक। और ये गंगेश्वर मंदिर के ऊपर भी थोड़ा गवर्नमेंट ने डेवलप किया हुआ है, और ये बैठने के लिए गाजीपुर टाइप बैठक भी बनाई है। पूरा सनसेट का नजारा यहाँ से बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और हर बार की तरह मेरी टीम कच्छ की सूफलो की सब साथ में, कच्छ के किंग बहुत ही सपोर्ट हमें कर रहे हैं। तो उसके साथ ये हमारी शायद चौथी या पांचवी ट्रिप है। मेरा साथी, मेरा यार विजय भी साथ में ही है। तो विजय, लास्ट में हम कहाँ गए थे? जयपुर। तो क्योंकि घूमते इतना है ना मालूम नहीं है, भूल जाते हैं तो उदयपुर गए थे पिछली बार। yes. और इस बार दीव साथ पहली बार आए, पहली बार आए। तो दोनों डेस्टिनेशन का भी फर्क है। यहाँ पूरे का पूरा ये बीच व्यू है और वहाँ पे पूरा
हिल व्यू है। तो तरुण आप भी हमारे साथ सज्जनगढ़ हो जाए दूसरी बार है, तो कैसा फील हो रहा है? ऐसी अलग अलग जगह जाए या ऐसी जगह कोई सिलेक्ट करो? तो ये गंगेश्वर का मंदिर भी हमने देखा अलौकिक सब, और ये जो अभी देख रहे हो ध्यान से देखिएगा ये वही चेहरा है जो पिछली बार हमारे साथ एक सामान्य नागरिक की तरह था, और अभी हमारे साथ आ गया है विगोड़ी ग्राम का सरपंच बन के आ गए है। तो भरत भाई अभी हम आपको सरपंच बोले या दोस्त बोले? अरे यार दोस्ती है ना, दोस्त है और दोस्त रहेंगे। सरपंच तो अभी है, 5 साल के बाद सरपंच पूरा हो जाएगा। नहीं नहीं, हम रहेंगे, हम तो माता जी को बोले कि आप अगले 5 साल में भी आप फिर से सरपंच बने और महादेव की कृपा ऐसे ही आप पे बरसती रहे, और आप सरपंच बनो, तलाटी बनो या मुख्यमंत्री बनो, हमारे लिए फ्रेंड ही रहोगे। तो बहुत ही अच्छा एंजॉय किया। तो आइए दीव में और मस्ट विजिट गंगेश्वर टेम्पल, बहुत ही अच्छी जगह है। थैंक यू।